नमस्कार मित्रों, ईटीवी लाइव न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित कृष्ण कुमार शास्त्री आपको 20 अक्टूबर 2020 के पंचांग तथा राशिफल साप्ताहिक विषय के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो सर्वप्रथम 20 अक्टूबर 2020 का पंचांग किस प्रकार रहेगा इसकी आपको जानकारी प्रदान करता हूँ। संबत 2077 रहेगा, प्रमादी नाम का संवत्सर रहेगा, श्री सूर्य दक्षिणायन में रहेंगे, दक्षिण गोल रहेगा, ऋतु रहेगी शरद, माह रहेगा द्वितीय आश्विन माह, शुक्ल पक्ष चल रहा है, नवरात्रों का पर्व चल रहा है, नवरात्रों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी जिसका समाप्ति काल रहेगा 11:19 तक। वार रहेगा मंगलवार, ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा जिसके समाप्ति काल रहेगा रात्रि को 2:12 पर। आनंदादि योग सौभाग्य योग रहेगा, समाप्ति काल रहेगा 9:47 तक तथा विष्टिकरण रहेगा। इसी प्रकार चंद्र संचरण ज्येष्ठा नक्षत्र में है तथा वृश्चिक राशि में चंद्रमा का संचरण रहेगा। सूर्य संचरण चित्रा नक्षत्र में रहेगा और तुला राशि में रहेगा। मैं जानकारी प्रदान करूंगा आपको कि वर्तमान में सूर्य और चंद्र दोनों ही अपनी नीच राशि में भ्रमण कर रहे हैं। सूर्य उदय रहेगा 6:34 पर प्रातःकाल में और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:50 पर, शाम को संध्या काल में सूर्यास्त समय रहेगा। पर्व 20 अक्टूबर को पर्व रहेगा उपांग ललिता पंचमी। अभिजीत का मुहूर्त रहेगा 11:50 से 12:34 तक रहेगा। इसमें आप कोई भी अपने शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा और शुभ भी आपको रहेगा। ग्रहों की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं तो शनि व गुरु स्वग्रही हैं, अर्थात शनि अपनी राशि मकर में भ्रमण कर रहा है और गुरु अपनी राशि धनु में भ्रमण कर रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि 17 अक्टूबर 2020 को सूर्य ने तुला राशि में प्रवेश किया है, अर्थात सूर्य की जो नीच राशि होती है वो तुला होती है और उसमें उसने प्रवेश किया है। उसका भी काफ़ी देश प्रदेश में और संसार में उसका भी काफ़ी फर्क रहेगा क्योंकि वो उसकी नीच राशि है, सूर्य की नीच राशि होती है तुला। मंगल व बुध की गति भी वक्री है, मंगल का संचरण मीन राशि में है तथा बुध का तुला राशि में संचरण चल रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि आगामी दिनों में बुध व शुक्र का भी राशि परिवर्तन का योग बन रहा है। तो ये तो आपके दैनिक पंचांग के बारे में आपको जानकारी प्रदान की है। अब साप्ताहिक दैनिक राशि फल के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के लिए समय अनुकूल है, कोई भी कार्य करे उसमें आपको सफलता मिलेगी, किसी प्रकार की समस्या अगर आती है तो उसका समाधान भी समय समय पर होता रहेगा। परंतु सलाह, किसी भी वाद विवाद से बचें, किंचित विवाद में आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। पारिवारिक सुख मिलेगा, परिवार में स्नेह भी बढ़ेगा, आपका दिन आपका सप्ताह शुभ रहेगा। वृष राशि, वृष राशि की स्थिति सामान्य रहेगी क्योंकि वृष राशि में वर्तमान में राहु भ्रमण कर रहा है तो यात्रा का योग बनता है, आकस्मिक यात्रा के योग आपको बनते हैं, यात्रा करनी पड़ सकती है। हालांकि यात्रा से आपको लाभ भी रहेगा और धन व्यय का योग भी आपके बन रहा है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है, अतः वो दृढ़ता से कार्य करे, धैर्य का त्याग नहीं करे, समय समय पर आपको लाभ भी मिलेगा और समस्या का समाधान भी होता चलेगा। मानसिक चिंता बढ़ेगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सलाह से कार्य करे, उत्तम लाभ आपको मिलेगा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, अर्थात शनि ग्रह आपको पूर्ण लाभ देंगे। अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी, वातावरण अनुकूल रहेगा और लाभ की स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए कोई भी आध्यात्मिक कार्य करें, सोच समझकर करें, व्यापारिक लाभ आपको मिलने के संकेत दे रहे हैं तथा आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपके
बन रहे हैं, अर्थात आपका रुका हुआ पैसा वापिस आने के योग आपके बन रहे हैं। विशेष लाभ के लिए बृहस्पति की पूजा अर्चना करें, आपको अवश्य लाभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि का सामान्य समय रहेगा, अर्थात न लाभ होगा न आपको हानि होगी, अनुकूल समय आपका चल रहा है, अर्थात अपना जिस कार्य से आप जिस गति से आप कार्य कर रहे हैं उसी गति से आप कार्य करें। कोई भी नया कार्य या नया व्यापार प्रारंभ नहीं करें तो ठीक रहेगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि में वर्तमान में सूर्य नीच राशि में चल रहा है तो हो सकता है विवाद की स्थिति बने, कृपया उससे टाला जाए, विवाद को टाला जाए तो ठीक रहेगा। समय अनुकूल नहीं है, कोई कार्य हो उसको देरी से करें, थोड़ा रुक कर करें तो आपकी समस्या का समाधान होता रहेगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा। वृश्चिक राशि बहुत ही समय अनुकूल है, केतु का भ्रमण वृश्चिक राशि में चल रहा है और 20 तारीख को 20 अक्टूबर 2020 को चंद्रमा की भी युति रहेगी तो आपको लाभ भी होगा, घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा तथा नए कार्य करने की योजना आपके मन में चल रही है उसको भी आप क्रियान्वित कर सकते हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि में गुरु स्वग्रही है, आध्यात्मिकता की ओर आपका मन रहेगा तथा धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी, व्रत पर्व में भाग लेंगे तथा कोई भी मांगलिक कार्य आपके घर में होने की संभावना बन रही है, सहयोग करें आपको अत्यंत या बहुत लाभ मिलेगा। मकर राशि, मकर राशि बहुत ही समय अनुकूल है आपका, शनि स्वग्रही है, इस समय का आप पूर्ण लाभ उठावे, आपको लाभ अवश्य होगा, मिलजुल कर और पारस्परिक सहयोग से कार्य करें, नकारात्मक सोच को छोड़े और सकारात्मकता के साथ में आप कार्य करें, आपको व्यापार में नई ऊंचाइयां छूने की उम्मीद बन रही है, उसका पूर्ण रूप से आप लाभ उठावे। कुंभ राशि, समय अनुकूल है, सामान्य परिस्थितियां चल रही है, कोई भी कार्य हो उसको स्वविवेक से करें, किसी की सलाह से कार्य करोगे नुकसान उठाने की संभावना है, परिवार में प्रेम रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और विद्या के क्षेत्र में आपको तरक्की करने के योग भी बन रहे हैं, अगर कोई परीक्षा या एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांस भी हैं, तो समय अनुकूल का आप लाभ उठावे। मीन राशि, मीन राशि में शनि की दृष्टि है, मंगल ग्रह का भ्रमण हो रहा है तो आपको भी सोच समझ कर कार्य करने की आवश्यकता है, कोई भी कार्य करे तो उसको सोच समझ कर करे, सलाह लेकर करे तो अत्यंत उत्तम होगा, परिवार में कलह की स्थिति बनती है और शत्रु प्रबल हो सकते हैं तो शत्रुओं को इस अवसर का लाभ न दें, विवेक से कार्य करें, आपका दिन बड़ा ही शुभ और मंगल होगा। तो इस प्रकार से आपके ये साप्ताहिक राशिफल हैं, इसका आप अवश्य लाभ उठावें और विशेष कृपा प्राप्ति के लिए हनुमान जी की आराधना सेवा पूजा करते रहें। आपका दिन मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभ हो, धन्यवाद।